पांच राज्यों में हुए चुनाव के बाद चार राज्यों के परिणाम आ गए हैं, और भैया जो परिणाम आए हैं खासकर एमपी में, उसे देखकर तो सभी हैरान हैं। आप दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आपने इस तरीके के चुनाव परिणाम की कल्पना की थी? आपने क्या, हमने भी नहीं की थी। पत्रकारों को छोड़िए, भाजपा के नेताओं को भी इस बात का अनुमान नहीं था कि भाई जीत इतनी बड़ी होगी। लेकिन एमपी में भाजपा को जो जीत मिली है, इतनी बड़ी जीत मिली है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो है सीएम शिवराज का और उनकी योजना लाडली बहना योजना का। ये योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, और कहिए तो हर तरीके के लहर पर लाडली लहर भारी पड़ी। ये वो योजना थी जिसे चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया था। तो आइए जानते हैं क्या है इस योजना में खास और कैसे इसने महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। सबसे पहले बात करते हैं एमपी में जारी चुनावी मतगणना की। खबर लिखे जाने तक भाजपा 166 सीटों पर आगे चल रही, जबकि कांग्रेस 62 सीटों पर आगे चल रही। सरकार ने साल 2023 की शुरुआत में 28 जनवरी को महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उन पर आश्रित बच्चों के पालन पोषण और परिवार में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की घोषणा की, और 15 मार्च को इसे लॉन्च कर दिया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को शुरुआत में हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 महीने बाद ही बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रति महीने कर दिए। राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ फिलहाल मिल रहा है। इस हिसाब से देखें तो सालाना महिलाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट करके यह ऐलान किया था कि राशि आने वाले समय में 3,000 रुपए तक ले जाने का प्लान है। इस योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों का अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मैसेज आता है और फिर पैसे भेजे जाते हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने भी ये बात कबूल की है कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई, और उसका पूरा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन वोटिंग हुई और जब चुनाव आयोग ने वोटिंग परसेंटेज जारी किए, तो आपने देखा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किए, और उसी के बाद से ये अनुमान लगाया जाने लगा कि इस बार जो है महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान के फेवर में वोट किया है और भाजपा की सरकार बनाने का मन बनाया है। तो लाडली बहना योजना, कहिए तो प्रदेश में ऐसी लाडली लहर चली, उससे सत्ता विरोधी लहर भी उसके आगे धड़ाम हो गई, कमलनाथ की लहर धड़ाम हो गई, और भाजपा एक बार फिर से एमपी में सरकार बनाने वाली। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में अपनी राय कमेंट कर बताइए, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।